आर्ष श्री परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैं तो आपका दास हूँ, कृपा करके यही बताएं कि मृिय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। बरियाने सते प्रश्न, हे परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्यों? तुमने ये प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो अकेला तुमको नहीं मरना है, संसार में जो भी आया है, जो भी संसार में जिसने जन्म लिया है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जात, सबको मरना है। तो इसलिए परीक्षित समाज हित कृतो लोक हितो नृपा, लोक हित के लिए तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है परीक्षित। तो सुनो परीक्षित, इस संसार में सबसे बड़ा यदि भय है, सबसे बड़ा कोई डर है, तो वो है बोले मृत्यु का। मरने को सब डरते हैं, कहीं हम मर ना जाएं, और इसलिए लोग कई उपाय करते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं, पर फिर भी मृत्यु नहीं टलती। इसलिए परीक्षित मृत्यु का भय सबको है, और जो चाहे कि मैं इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं, तो उसको तीन काम करने पड़ेंगे। तीन काम कौन से? तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, तस्माद् भारत सर्वात्मा बाबा भगवानी स्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसको तीन काम करने पड़ेंगे। कौन से? श्रोतव्य, सबसे पहला काम उसको करना है कि सुने। तो क्या सुने? भगवान की कथा, भगवान के गुणगण, भगवान के जो दास हैं संतजन उनके मुख से प्रवचन सत्संग, भगवान की कथा लीला, ये सब सुने। और जब सुने इसके बाद श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और सुन करके दूसरा काम, पहला सुनना, दूसरा सुन करके सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। तो बोले कीर्तितव्यश्च, जो सुना है उसका अन्य लोगों से बखान करे, भगवान की कीर्ति का स्वयं भी गान करे, लोगों को भगवान के विषय में बताए, भगवान से जोड़े, दूसरा काम। और तीसरा काम है बोले स्मरतव्यश्चेच्छताभयम्। तीसरी बात है बोले स्मरण, जो भगवान की लीला कथा सुनी है कही है उसी का चिंतन करे, उसी का ध्यान करे, तब उसका जो है बोले कल्याण होता है। स्मरण करे भगवान, तब वो भगवान की कृपा से मृत्यु के भय से मुक्त होगा। इसलिए महाराज ये कर्म करने पड़े। और परीक्षित तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत है। एक मुहूर्त में सूर्यवंशी राजा महाराज खट्टवांग की मुक्ति हो गई थी, इसलिए तुम चिंता